हेलो दोस्तों, आपको हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया छोटी सी वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो कि आज हम दिखाएंगे आपको आलू और गोभी का पराठा। तो चलिए दोस्तों, देर मत करके फिर चलते हैं वीडियो के साथ। तो दोस्तों देखिए, हम आलू दो चार तो आलू काटे हैं, उसके साथ गोभी काट के इसमें पानी में छोड़ दिए हैं। इसको अभी हम कुछ टाइम के लिए उबाल देंगे, पूरा आलू और गोभी को उबाल के उसके बाद आपको दिखाएंगे आलू को और आलू और गोभी का पराठा। तो दोस्तों, अभी हम इसको गैस पे चढ़ा दिए हैं, आलू और गोभी को बॉईल करेंगे अभी। तो दोस्तों देखिए, हम ये प्याज, टमाटर, ग्रीन मटर, धनिया पत्ता और अदरक, मिर्चा लिए हैं। ये इसमें अभी हम आलू का पराठा बनाएंगे, जो आपको बोले थे कि गोभी और आलू उबाल के उसको हम बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम गोभी और आलू को उबाल दिए हैं। अभी इसको इकट्ठा पूरा एक प्रेस बना देंगे, उसके बाद हम इसको पूरा भरता बनाएंगे। भरता बना के आपको दिखाते हैं, आप देखते रहिए आगे का प्रोसेस। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको गैस पर कढ़ाई चढ़ाना पड़ेगा। बीस से 25 ग्राम सरसों तेल लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, रविंदर उसका घर पे बात कर रहा है कि किसके साथ बात कर रहा है मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए दोस्तों। बेबी नंबर वन। ये देखिए दोस्तों, आलू और गोभी को इसे मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, अभी इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे। ये जीरा डाल दिया मैंने, ये मैंने रखा है दोस्तों, मिर्च, हरा मिर्च और अदरक, इसको अभी डाल देंगे तेल में। उसके बाद प्याज डाल देंगे। ये दोस्तों प्याज डाल दिए। तो दोस्तों, प्याज को ज़्यादा लाल मत कीजिएगा, ज़्यादा लाल हो जाने से टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसमें अभी हम टमाटर डालेंगे। ग्रीन मटर भी दोस्तों ऐड कर देंगे उसमें। अभी इसको थोड़ा सा चला देंगे। टमाटर और ग्रीन मटर दोस्तों अच्छे से थोड़ा गल जाए इसमें, उसके बाद हम गोभी और उबला हुआ आलू और गोभी जो रखे हैं उसको इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों, अभी इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा गोभी आलू पराठे के लिए मसाला, प्याज, टमाटर, ग्रीन मटर आदि और मिर्चा। तो दोस्तों, अभी आलू और गोभी को हम इस तरह से मेल्ट कर दिए हैं, पूरा मिक्स कर दिया है उसको। तो दोस्तों, अभी होने वाला है हमारा ये ग्रीन मटर, टमाटर और प्याज। बस टमाटर थोड़ा मेल्ट हो जाए और कुछ नहीं। ग्रीन मटर भी हो चुका है, देखिए ग्रीन मटर गल गया है, देखिए अलग अलग हो गया सब। अभी इसमें
उबला हुआ आलू और गोभी जो हम फ्रेश करके रखे हैं इसको अभी उसमें मिला देंगे। ठीक ही तो बन रहा है क्या? ठीक बन रहा है। टेस्ट करके देखा जाएगा ना, देख के बताया जाएगा। अच्छा, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, इसलिए हम ग्रीन मटर थोड़ा सा ही मिलाया है। आप चाहे तो और ज़्यादा भी मिला सकते हैं इसमें, जितना ज़्यादा रहेगा उतना टेस्ट भी आएगा। देखिए दोस्तों, अभी आलू और गोभी, ग्रीन मटर, ये सब बन चुका है। अभी हम पराठा बनाएंगे, देखते रहिए आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों, अभी हम जो पराठा बनाएंगे, पहले हम इस पर तवा चढ़ा दिए हैं गैस पे, तो अभी रोटी बना देंगे, उसके बाद हम पराठा बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये पूरा अलग टाइप का पराठा बन रहा है, आप लोग देखिए, ऐसे ही घर पे बनाइए और बना करके खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। देखते रहिए हमारा आगे का वीडियो। वाह 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 वाह, क्या रविंद्र भाई, बढ़िया बना रहे। तो दोस्तों, अभी धनिया पत्ता भी इसमें मिला दिए हैं, देखिए खुशबू बहुत अच्छा है। मैसेज कर रहा है सुनील भाई, ये देखिए दोस्तों, रविंदर जी कितना बड़ा रोटी बना दिए। अब देखिए, यार इतना बड़ा रोटी बना दिए रविंदर जी। देखिए दोस्तों, और दो तीन रोटी बनेगा, अभी इतना बनाया है, तीन चार तो बन गया है। एक तो दोस्तों, अभी हम रोटी बना चुके हैं, हम अभी बनाएंगे पराठा। ये देखिए दोस्तों, रोटी में इस तरीके, आप जो ये गोभी आलू जो इसको हम भरता बनाए हैं, इसको अभी इसमें डाल के इसको फिर हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी इस तरीके से हम बना के कुछ पराठा रख दिए हैं यहाँ। अभी इसको फिर तवे में तेल डाल के अभी इसको उसमें रखेंगे। ये तेल लिया है रिफाइंड, तो इस तरीके से हम डाल लेंगे। थोड़ा तेल गर्म हो जाने, तेल गर्म हो जाने के बाद अभी इसमें ये जो पराठा बनाया है इसको ऐसे रखना नहीं। तो दोस्तों, हमारा पराठा अभी बन के रेडी हो गया है, देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और एक तो है अभी बना देंगे, ये देखिए हम इसमें रिफाइंड तेल का यूज किया है। इसमें तेल लगा रहे हैं बैगन में, अब इसको आग में पका के दोस्तों हम पराठे, देखिए इस तरीके से पराठा बन गया है। अब बैगन का भरता भी थोड़ा सा बनेगा चटनी। ये देखिए, बैगन को जलाया जा रहा है, अभी आग में पकाया जा रहा है। तो बैगन बन जाने के बाद उसमें कुछ उसका मसाला वसाला डाल के उसको हम चटनी बना देंगे, और चटनी बना के हम पराठे के साथ टेस्ट करेंगे। कहा रविंदर जी, बोलिए कुछ। हाँ, टेस्ट किया जाएगा, आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, रविंदर जी अभी बैगन का छिलका निकाल रहे हैं, देखिए ये छिलका निकाला जा रहा है। अभी इसका भरता बनाया जाएगा चटनी, देखिए गरम गरम बैगन है, आप भी ऐसे घर पे बना के खाइए, देखिए उसका मज़ा। इसमें थोड़ा सरसों तेल डाल दीजिए, बस तीखा वाला मिर्ची डाल दीजिए, हरा मिर्ची और लहसुन,
दो पंखुड़ा लहसुन होगा ना, दो पंखुड़ा लहसुन भी डाल दिया जाइए इसमें, और थोड़ा नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फिर देखिए इसका मज़ा। आप लोग अगर उड़ीसा से कोई देख रहे हैं तो भाई लोग आपको बता रहे हैं कि पखाल के साथ ये तो मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं प्याज लहसुन और मिर्चा भी इसमें डालेंगे, और ये देखिए सरसों तेल भी थोड़ा डाल दिए हैं। इसको अभी हम चटनी बनाएंगे बैगन का, बैगन का चटनी बनेगा ये। ऐसे ही रगड़ो। ये दोस्तों हम कुछ प्याज का पौधा लगा दिए हैं, यहाँ देखिए मार्केट से प्याज लाए थे, इतना बड़ा बड़ा पौधा हो गया है, ये देख सकते हो। चलिए आपको पराठे की तरफ ले लेते हैं। तो भरता हमारा दोस्तों देखिए भरता अभी इस टाइप का बन गया है, बैगन का चटनी भरता या चटनी कुछ भी बोल सकते हैं यार। देखिए ये देख सकते हैं पराठा और बैगन का चटनी। अभी रविंद्र जी टेस्ट कीजिए। ठीक है वाह। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बना के अपने घर पे खाइए, घर पे खिलाइए, आलू और फूल गोभी पराठा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, आपका लाइक मिलेगा तो हम कुछ दूसरे भी कर सकते हैं और ज़्यादा करके दिखा सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।